दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विक्टोरियन पॉइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों 6 स्टैंजा की पोएम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। 6 स्टैंजास की पोएम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये पोएम जो है दोस्तों ये क्रीमियन वॉर से रिलेटेड है, वो सब आगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये पोएम जो है काफ़ी सारे सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इस पोएम को टेनिसन ने क्रीमियन वॉर के दौरान 1853 से 1855 के बीच में जो हुआ था उसके रेस्पॉन्स में लिखा था। और उस वक्त उस लड़ाई में एक ब्रिटिश यूनिट थी जो रशियन यूनिट के खिलाफ लड़ रही थी। अब रशियंस के पास में तोपें थी और ब्रिटिश यूनिट के पास सिर्फ तलवारें। अब ब्रिटिश यूनिट को ही दोस्तों यहाँ पर लाइट ब्रिगेड कहा गया है। ब्रिगेड मतलब एक टुकड़ी होती है सेना की। तो ये रशियंस के खिलाफ लड़ने गए थे, ये लड़ने नहीं गए थे, एक तरह से सुसाइड करने जा रहे हैं पॉइंट के हिसाब से। इनके तो बस कमांडर ने इनको ऑर्डर दे दिया कि आगे बढ़ो, अब इनको पता नहीं है, सवाल भी नहीं पूछ रहे। अब दोस्तों यहाँ पे तोपों के सामने तलवारें कहाँ टिकती है, आगे जब हम पोएम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो बड़ा पोएटिक टोन में इसको शुरू किया है पोएम को। हाफ अ लीग हाफ अ लीग हाफ अ लीग ऑनवर्ड ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। तो यहाँ पर लगभग 1.5 मील का सफ़र करके 600 सैनिक जर्नी करके डेथ की वैली में, वैली मतलब घाटी में आ गए हैं। अब उनका कमांडर क्या बोलता है, फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड चार्ज फॉर द गन्स। मतलब उनके कमांडर ने उनसे कहा, लाइट ब्रिगेड से कहा कि आगे बढ़ो, चार्ज करो उन गन्स के, तोपों के अगेंस्ट। ही सेड, उनकी कमांडर ने कहा, इन टू द वैली ऑफ डेथ, इस डेथ की वैली में मतलब घाटी में रोड द 600, 600 सैनिक आ पहुँचे हैं। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, उनके कमांडर ने उनसे फिर से कहा कि आगे बढ़ो। वॉज देयर मैन डिसमेड, क्या यहाँ पर कोई ऐसा सिपाही है जो डिस्करेज या फिर डरा हुआ फील कर रहा हो। नॉट दो द सोल्जर न्यू समवन हैड ब्लंडर्ड, इस साइन का मतलब यह है कि बल्कि ये लोग सारे जानते थे ये लोग जो चार्ज करने जा रहे हैं वो इनकी एक मिस्टेक साबित होने वाला है। देयर इज़ नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर इज़ नॉट टू रीज़न वाई, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो क्वेश्चन कर रहा था, क्योंकि इन लोगों को ऑर्डर दिए जा रहे थे। देयर इज़ बट टू डू एंड डाई, और इनको ऑर्डर दिए जा रहे थे और इनका बस एक ही काम था ऑर्डर मिलने के बाद में, ये सिंपली उसको करो या मरो। और लास्ट में वही लाइनें, वैली ऑफ डेथ में 600 सिपाही उतर गए। कैनन टू राइट ऑफ दैम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ दैम, कैनन इन फ्रंट ऑफ दैम, उनके राइट साइड तोपे थी, उनके लेफ्ट साइड तोपे थी, उनके फ्रंट में तोपे थी। वर्ल्ड एंड थंडर स्टॉर्म्ड एट विद शॉट एंड शेल, इनटू द आवर्स ऑफ डेथ, इनटू द माउथ ऑफ हेल रोड द 600। इन लाइनों का मतलब है जो उनके आसपास तोपे थी वो एक ब्लास्ट के साथ लाउड फायर करती थी और उनके गन शॉट से और उनके शेल से एक तूफान आ गया, लेकिन वो हिम्मत से मौत के जबड़े में बढ़ते गए और खुद को हेल में ढकेलते गए। फ्लैश्ड ऑल दे सेबर्स बेयर, फ्लैश्ड एज दे टर्न्ड नियर, मतलब उन्होंने अपनी तलवारों को हवा में उठाया, लाइट से उनकी तलवारें चमक रही थी। सेबरिंग द गनर्स देयर, और उन्होंने अपने एनिमी सोल्जर्स को उनकी बॉडीज में उन तलवारों को घुसा दिया। चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, और वो पूरी आर्मी को चार्ज कर रहे थे और पूरा वर्ल्ड उनको हैरान होकर देख रहा था। प्लंग्ड इन द बैटरी स्मोक राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, मतलब बंदूकों से जो धुआं निकल रहा था उस धुएं में ये सैनिक छुप गए और अपने एनिमी की लाइन को तोड़ दिया। रॉसेक एंड रशियन रील फ्रॉम द सेबर स्ट्रोक शैटर्ड एंड सन्डर्ड, इन लाइनों का मतलब रशियन ट्रूप्स घबराए हुए थे, वो टुकड़ों में बट गए, टूट गए, और ये सब उन्होंने बस अपनी तलवारों से किया, तलवारों से कर डाला इन्होंने सिर्फ। देन दे रॉट बैक बट नॉट द 600। अब ये सब करने के बाद ब्रिटिश यूनिट वापस लौटने लगी, लाइट ब्रिगेड वापस लौटने लगे, लेकिन अब वो 600 नहीं थे, मतलब बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे।
कैनन टू द राइट ऑफ दैम, कैनन टू द लेफ्ट ऑफ दैम, कैनन बिहाइंड दैम। वही लाइनें दोहराते हैं, राइट में तोपें, लेफ्ट में तोपें, पीछे तोपें। वॉलेड एंड थंडर्ड स्टॉर्म्ड एट विद शॉट एंड शेल वाइल हॉर्स एंड हीरो फेल, जो कि एक लाउड ब्लास्ट के साथ फायर करती थी और वो गनशॉट के बीच में से वो चले गए, उनमें से कई तो अपने घोड़ों के साथ ही मारे गए। इवन दो दे दैट हैड फॉट सो वेल केम थ्रू द जोज ऑफ डेथ बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल, इवन दो उनमें से सब ने अच्छी लड़ाई लड़ी और मौत के जबड़े को उन्होंने तोड़ दिया, हेल से लौट कर वो वापस आए, ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ दैम लेफ्ट ऑफ 600, उनमें से जो भी लौट कर आए बचे कुचे 600 में से, सिपाहियों में से जो भी बचे थे उनके लिए कहा गया है, वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड, ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, ऑनर द चार्ज दे मेड, ऑनर द लाइट ब्रिगेड नोबल 600। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा है जिसका जवाब वो जानना नहीं चाहते कि क्या इनकी ब्रेवरी को कभी बुलाया जा सकता है, इनकी इस बहादुरी को कभी बुलाया जा सकता है। पूरी दुनिया ने इनके इस वाइल्ड चार्ज को एडमायर किया, हम सबको इनके इस चार्ज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस लाइट ब्रिगेड को ऑनर देना चाहिए, नोबल 600 बोलकर ये इस पोएम को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।